नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां पर राज्यपाल की जो बाकी बची हुई शक्तियां हैं उन शक्तियों को पढ़ेंगे। क्योंकि बाकी बची हुई इसलिए मैंने कहा क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्यपाल की जो प्रमुख शक्तियां हैं जैसे कार्यपालिकी शक्तियां और विधायी शक्तियां पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो बाकी बची हुई का मतलब है न्यायिक है, वित्तीय है और विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है हमारे भारतीय राज्यों के राज्यपालों की शक्तियां। प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तथागत सिविल सर्विसेज को लाइक करिए, शेयर करिए, रिकमेंड कीजिए और अगर कोई विषय आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको, या जिनके पास कोचिंग नहीं है या बड़ी कोचिंग में महंगी कोचिंग में नहीं जा सकते हैं तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप मुझसे जुड़ सकते हैं जिसके माध्यम से मैं उनको वो कोर्स जो सिविल सर्विसेज का है प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। साथ में ही अगर आप वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी पर्याप्त है। और कारण यही है वनडे एग्जाम्स में क्योंकि लोग ज्यादातर फैक्चुअल पढ़ते हैं, तथ्यात्मक ढंग से पढ़ते हैं, एनालिटिकल ढंग से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ना है, डिटेल में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो आइए इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां पढ़ी थी क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और राज्य की जितने भी कार्य विधान होते हैं वो सब राज्यपाल के नाम से ही जारी होते हैं, लागू होते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर योजनाएं परियोजनाओं तक सब कुछ। तो राज्य की कार्यपालिकी शक्तियां किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में। हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में जो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों का मतलब है कि जो विधान मंडल या विधानसभा के द्वारा बनाए गए विधेयक हैं या उनसे संबंधित सत्रों से संबंधित जो विषय हैं वो सारे के सारे विधेयक या विधेयकों या अध्यादेश से संबंधित जो विषय हैं वो सब से संबंधित जो शक्तियां हैं वो सारी किसके हाथ में? राज्यपाल की विधायी शक्तियां या राज्यपाल के हाथ में है। विधायी शक्तियों में ही हम लोगों ने अध्यादेश की भी शक्ति पढ़ी थी। अध्यादेश कैसे जारी होता है इसको भी बहुत शॉर्टकट में पढ़ा था क्योंकि डिटेल में हम लोग राष्ट्रपति के स्वरूप में पढ़ चुके थे इसको, तो वैसा ही संरचना थी। हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपालों के वीटो पावर को भी पढ़ चुके हैं तो यहां पर भी हम लोगों ने वीटो पावर को पढ़ा था, शॉर्टकट में पढ़ा था क्योंकि डिटेल में हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में उसको पढ़ चुके थे। तो राज्यों के राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो शक्ति, कार्यपालिकी शक्तियां, ये सारी की सारी शक्तियां हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब राज्यों के राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं क्योंकि राज्यों के राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं, हर प्रकार की संरचना के प्रमुख होते हैं चाहे कार्यपालिका हो, विधायी हो, न्यायिक हो, तो जब प्रमुख हैं तो इसका मतलब उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होंगी, तो न्यायिक शक्तियां, कुछ वित्तीय शक्तियां भी होंगी क्योंकि राज्य की जितने भी वित्तीय मामले हैं वो सब किसके नाम से संचालित होंगे? राज्यों के राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे, इसलिए वह शक्तियां। इसके साथ ही विवेकाधीन शक्तियां, जो ये तीन चार शक्तियां आप देख रहे हैं, ये तीन चार शक्तियां राज्यपाल हमेशा राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद उसकी सलाह पर करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है विवेकाधीन शक्तियां, ये शक्तियां एक प्रकार की अलग प्रकार की शक्तियां हैं जहां पर राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति कुछ विवेकाधीन शक्तियों में स्वेच्छा से कार्य करते हैं वैसे ही राज्यों के राज्यपाल भी कर सकते हैं। तो आइए इन सभी को हम लोग डिटेल से समझते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग इन तीनों को यहीं पर एक साथ पढ़ेंगे। कौन सी? न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और विधायी शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां। सबसे पहले हम लोग राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को जानते हैं कि आखिर राज्यों के राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां कौन सी हो सकती हैं। भाई राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो राज्यों के समस्त प्रकार के विभागों के प्रमुख हैं। अब जब सब प्रकार के विभागों के प्रमुख हैं तो इसका मतलब है
कि राज्यों के राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां भी होंगी, जो न्यायालय या कोर्ट या न्याय या जुडिशरी से संबंधित विषय है उनसे संबंधित विषयों की शक्तियां भी होंगी। कौन कौन सी हो सकती है? साधारण शब्दावली, जैसे जब हम देखते हैं कि जो हमारे जिला कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला कोर्ट का जितना भी सेशन कोर्ट हो सकते हैं या जितने भी छोटे कोर्ट हो सकते हैं राज्य के स्तर के, राज्य स्तरीय जो छोटे कोर्ट हो सकते हैं, उन सभी के जजों की नियुक्ति, जितने भी जज होते हैं, जजों की नियुक्ति, जितने भी जज होते हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भाई इसमें दो संदर्भ हो सकता है, या फिर पीसीएस जे से आए हुए व्यक्ति हैं तो उनको भी नियुक्ति कौन देता है? राज्यों के राज्यपाल ही देते हैं। परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग करवाता है, पीसीएस जे जैसी परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग करवाता है, लेकिन नियुक्ति किसकी होती है? राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। संबंधित व्यक्ति का ट्रांसफर, संबंधित व्यक्ति का बर्खास्तगी अगर कोई है, कोई कारण है, तो बर्खास्तगी, ये सब किसका अधिकार क्षेत्र है? राज्यों के राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र होता है। ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है। इसके साथ ही इन न्यायालयों के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जितने भी प्रकार के न्यायिक अधिकारी होते हैं, जैसे एपीओ जैसा पद होता है राज्यों की जिला कोर्ट में, एपीओ जैसा पद होता है, तो ये भी न्यायिक अधिकारी है। इसकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। परीक्षा लोक सेवा आयोग करवाती है, वो अलग विषय है। इसके साथ ही जब हम और ऊपर जाते हैं तो जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों के, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश में आप जबलपुर हाई कोर्ट देखते हैं, या पूरे भारत में चेन्नई हाई कोर्ट, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में आप बंबई हाई कोर्ट, इस तरह से पूरे देश में जो हाई कोर्ट हैं, उन सभी हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त तो होंगे, जो अन्य न्यायाधीश नियुक्त तो होंगे, उनकी योग्यताएं कुछ भी हो सकती है इससे मतलब नहीं, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त तो होंगे, जो अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही करते हैं ये सारा का सारा काम। लेकिन राष्ट्रपति जब कभी भी इनकी नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, तब राज्यपाल की सलाह लेंगे। राज्यपाल की क्या होती है? सलाह होती है। हालांकि वो अलग बात है कि राज्यपाल की सलाह मंत्रिपरिषद की सलाह होती है, लेकिन किसकी सलाह होती है? राज्यपाल की सलाह होती है। तो ये न्यायिक स्वरूप में अधिकारियों की नियुक्ति है, उनके हटाने की व्यवस्थाएं हैं, उनकी बर्खास्तगी की व्यवस्थाएं। हाई कोर्ट में विभिन्न प्रकार के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति की स्थितियां हैं, ये याद रखिएगा, सलाह के आधार पर होती है। तो ये अधिकारियों का स्वरूप है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम न्यायिक शक्तियों को पढ़ते हैं तो एक और स्वरूप होता है क्षमादान, पार्डन। क्षमादान मतलब अर्थात कोई व्यक्ति अपराधी है और उसको विभिन्न कोर्ट के द्वारा, हो सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये जिला न्यायालय इत्यादि, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी के द्वारा, किसी के द्वारा भी सजा दी गई है, किसमें? राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर, आईपीसी सीआरपीसी के आधार पर दी गई, या राज्य के कानूनों के आधार पर दी गई, तो क्षमादान यहीं पर होगा। लेकिन अंतर है, इस पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बहुत विस्तार से हैं, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है क्षमादान में, लेकिन राज्यपालों की ये बहुत छोटी सी शक्ति है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे जब राष्ट्रपति क्षमा करते हैं तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपालों के पास किसी भी कोर्ट के द्वारा दिया गया मृत्युदंड हो, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी के द्वारा भी दिया गया मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, इसके अलावा नहीं है। मृत्युदंड से संबंधित सारे अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, चाहे वो क्षमा कर दें, चाहे सजा का परिवर्तन कर दें, सब कुछ वही उन्हीं के पास है। राज्यों के राज्यपाल के पास यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा विषय है सेना के कोर्ट के द्वारा क्षमादान की स्थिति में राज्यपाल सेना के कोर्ट के द्वारा दी गई सजाओं को ना तो क्षमा कर सकते हैं, ना ही उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही उनमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात राज्यों के राज्यपाल के पास क्षमादान में सेना के कोर्ट के द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब यही हो गया कि क्षमादान की शक्ति राज्यों के राज्यपाल के पास काफी कम है। अब कम कैसी है?
राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पहली बात तो आपने जैसा पढ़ा सेना कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी कार्य, कोई भी सजा क्षमा नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय कानून है उनके अंतर्गत जो भी विषय है उन पर क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई किसी सजा को क्षमा नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल ये तीनों अधिकार किसके हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्यपाल कहां पर हस्तक्षेप कर सकते हैं? राज्यपाल ये तो ध्यान रखिएगा कि ये इन पर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं होता। राज्यपाल कहां पर हस्तक्षेप कर सकते हैं या कौन सी ऐसी सजाएं हैं जो राज्यपाल के द्वारा क्षमा की जा सकती हैं? जैसे राज्य के कानून पर विषय हो सकते हैं, राज्य के कानून के विषय हो सकते हैं, उन पर राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल हाईकोर्ट के द्वारा दी गई सजा, सामान्य सजा जो या फिर राज्य सूची के विषय पर है या समवर्ती सूची के किसी विषय पर है तो राज्यपाल यहां पर क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति तभी होगी जब संघ सूची के विषय की सजा नहीं होगी, संघ सूची के उल्लंघन पर व्यक्ति को सजा नहीं दी गई, वो सजा पर क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होगा। राज्य सूची का कोई विषय है या संघ सूची का, समवर्ती सूची का कोई विषय है, उन्हीं दोनों स्थितियों में जब हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को सजा देगी, अपराधी को देगी, तो राज्यपाल इसमें क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर मृत्युदंड हुआ तो मृत्युदंड क्षमा नहीं करेंगे। अर्थात राज्यपाल यहां पर एक और विषय लिख लीजिए, ध्यान रहेगा, मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते। राज्यपाल के पास मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं। तो ये राज्यों के राज्यपाल की सामान्य शक्तियां हैं या क्षमादान की, इस पर राज्यपाल के पास बहुत कुछ अधिकार नहीं है, बहुत साधारण से अधिकार राज्यों के राज्यपालों को दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो एक ये शक्तियां थी हमारे राज्यों के राज्यपालों की जो हम लोगों को यहां पर समझनी थी। दूसरी, इसके अलावा जब हम विवेकाधीन शक्तियां देखते हैं और वित्तीय शक्तियां देखते हैं, दो प्रकार की शक्तियां और हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं क्योंकि राज्यों के राज्यपाल के पास विवेकाधीन और वित्तीय शक्तियां भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो वित्तीय शक्तियों को देखते हैं कि वित्तीय शक्तियां क्या हो सकती हैं। वित्तीय शक्तियां अर्थात वित्त से संबंधित शक्तियां, वित्त से संबंधित, वित्त क्या हो सकता है राज्य का? राज्य का वित्त हो सकता है राज्य की संचित निधि हो सकती है और राज्य की आकस्मिक निधि हो सकती है। यही तो हो सकती है, इन्हीं से संबंधित जो शक्तियां हैं वो राज्यों के राज्यपाल की शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? संचित निधि से संबंधित विषय हो सकते हैं और आकस्मिक निधि से संबंधित विषय हो सकते हैं। राज्यपाल संचित निधि के संबंधित विषयों के लिए, जैसे संचित निधि के लिए बजट बनता है, राज्य का जो राज्यपाल होगा वह बजट प्रस्तुत करवाएगा। राज्यपाल खुद तो विधानसभा में उपस्थित नहीं होते हैं, तो राज्यपाल की अनुमति से राज्य के जो भी मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य हैं, जिनमें वित्त मंत्री भी हो सकता है और वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री स्वयं हो सकते हैं, तो उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्तीय शक्तियों के रूप में सबसे प्रमुख चीज है बजट प्रस्तुत करना, ये राज्य के राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। धन विधेयक जो होता है वो विधायी शक्ति में जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा, लेकिन बजट जो है वो राज्य के राज्यपाल का एक वित्तीय शक्ति भी है और विधायी भी है। दूसरा है संचित निधि पर तो विधानसभा का अधिकार होता है, राज्यपाल का अधिकार नहीं होता, लेकिन आकस्मिक निधि पर अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का होता है। देखिए जब कभी भी सदन सत्र में हो विधानसभा का, तब ऐसी किसी भी परिस्थिति में आकस्मिक निधि से कोई धन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए सदन सत्र में नहीं है विधानसभा वाला, तो ऐसी स्थिति में राज्य में किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए या कोई खतरनाक महामारी इत्यादि फैल जाए और कोई राज्य को तत्काल ही धन की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल के पास अधिकार है आकस्मिक निधि का और राज्यपाल इस आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकते हैं? राज्यपाल निकाल सकते हैं और मंत्रिपरिषद को दे सकते हैं, वो फिर अपने नियम है कैसे क्या किया जाते हैं। और ऐसी स्थिति में
जब कभी भी सत्र प्रारंभ होगा तो जितना पैसा आकस्मिक निधि से प्राप्त किया गया था उस दौरान वह सारा का सारा पैसा एक नियम के आधार पर विधानसभा सत्र के अंतर्गत संचित निधि से प्राप्त करते हुए आकस्मिक निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा। तो ये संचित निधि किसके अंतर्गत संचित निधि किसके अंतर्गत होती है? राज्य की विधानसभा के अंतर्गत होती है, और आकस्मिक निधि किसके अंतर्गत होती है? राज्य के राज्यपाल के पास होती है। तो ये शक्तियां कैसी है? विधायी शक्तियों के अंतर्गत है। तो ये स्थिति है विधायी शक्तियों के अंतर्गत। और बात करें तो जैसे महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, वित्तीय मामलों की रिपोर्ट, जैसे आप संघ स्तर पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट देखते हैं, सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं, राज्य स्तर पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है, हालांकि वो सीएजी के माध्यम से ही बनती है, लेकिन ऐसी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको विधानसभा के सत्र में स्थापित करवाना, उन पर चर्चा करवाना, यह राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है। अर्थात जो भी रिपोर्ट्स, चाहे वो लोकसभा लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या किसी भी मामले से संबंधित हो राज्य के, वो सारी की सारी जो वित्त से संबंधित विषय है उनको राज्यपाल विधानसभा में रखवाएंगे। तो ये भी राज्यपाल की विधायी प्रकार की शक्तियां, वित्तीय प्रकार की शक्तियां होती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। अब हम लोग राज्यपाल की एक और प्रकार की शक्ति बची है, जिसे हम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। विवेकाधीन शक्तियां अर्थात राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर, जिसमें उसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अपने विवेक के आधार पर सारे के सारे कार्य करेंगे। तो विवेकाधीन शक्तियां इसीलिए उनको कहा जाता है। इन्हें हम विवेकाधीन शक्तियां, इन्हें हम विशेष शक्तियां भी कह सकते हैं, स्पेशल पावर्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम व्यक्तिगत शक्तियां भी कह सकते हैं राज्यपाल की। लेकिन व्यक्तिगत का मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत हो गए संवैधानिक ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो विवेकाधीन शक्तियां कहिए, विशेष शक्तियां कहिए, या व्यक्तिगत शक्तियां कहिए, ये स्वरूप भी हो सकता है हमारे राज्यों के राज्यपाल का। अब ये शक्तियां क्या है? पहली शब्दावली याद रखिएगा, चीज याद रखिएगा, इन शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। इसके लिए मंत्रिपरिषद जो होगी की सलाह आवश्यक नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है इसके लिए। तो राज्यपालों की वो शक्तियां हैं जो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राज्यपाल पूरी करते हैं। कौन कौन सी हैं? बहुत ज्यादा डिटेल इसमें भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, कुछ ही विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए नई लोक विधानसभा के नए चुनाव हुए हैं और नई विधानसभा गठित हुई है, लेकिन राज्यपाल ने देखा कि एक त्रिशंकु विधानसभा है, हंग असेंबली बनी हुई है, किसी भी पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है। तो राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि राज्यपाल विधानसभा में जो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आई हुई पार्टी है, अर्थात सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के नेता को इन्वाइट करे कि आइए मुख्यमंत्री बनिए और अपनी सरकार की स्थापना कीजिए। राज्यपाल को लगता है कि नहीं, पार्टी नहीं अलायंस को बुलाना चाहिए। तो राज्यपाल, क्योंकि भारत में अब तो अलायंस भी बहुत सारी, गठबंधन सरकारें बहुत बड़ी मात्रा में बनती हैं, तो राज्यपाल को लगता है पार्टी नहीं गठबंधन होना चाहिए। तो राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन को, जिसके पास बहुमत हो सकता है या राज्यपाल को लगता है कि इनके पास बहुमत है प्रतीत होता है, तो उसको इन्वाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसकी सलाह पर राज्यपाल के द्वारा विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। एक बात, अर्थात राज्यपाल हंग असेंबली की स्थिति में स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं। दूसरी स्थिति, बीच के कार्यकाल के दौरान, मान लीजिए विधानसभा सरकार अपना 2 से 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष के बीच में कभी भी राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार के पास अब सदन का विश्वास नहीं बचा है या विधानसभा में नंबर या बहुमत नहीं बचा है, तो राज्यपाल यहां पर दो स्टेप
ले सकते हैं। अगर उनको पूर्णतया विश्वास हो गया कि नहीं नंबर ही नहीं बचा है और बहुमत सिद्ध करवाने का कोई मतलब ही नहीं है तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री की सलाह लेने की या मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि नहीं बहुमत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राज्यपाल कंफ्यूज है, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सदन का विश्वास कमजोर हुआ है, जनता का विश्वास काफी कमजोर हुआ है सरकार के प्रति, तो राज्यपाल सरकार को या मंत्रिपरिषद को यह आदेश दे सकते हैं कि आपको इतने दिनों के भीतर, इतने दिन कुछ ये राज्यपाल खुद निर्धारित करेंगे, 10 दिन 15 दिन 1 महीने, इतने दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करके दिखाइए कि आपके पास बहुमत है सदन का अथवा नहीं है, विश्वास है अथवा नहीं है। अगर लगता है कि नहीं विश्वास नहीं बचा तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देंगे और नए चुनाव की घोषणा कर देंगे, एक साधारण सी स्थिति। लेकिन राज्यपाल ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास बहुमत ना हो और सरकार सिद्ध भी ना कर पाए तब राज्यपाल यहां पर एक दो कदम और स्वेच्छा से उठा सकते हैं। पहली बात तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर देंगे और नए चुनाव की घोषणा कर देंगे। दूसरी स्थिति, राज्यपाल संबंधित मुख्यमंत्री को अल्प बहुमत की सरकार, कम बहुमत की सरकार चलाने का भी आदेश दे सकते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए राज्यपाल ये अल्प बहुमत की सरकार चलाने का आदेश तब देंगे जब उन्हें लगता कि अरे अभी तो चुनाव हुए थे और अगर फिर से तत्काल चुनाव हो जाएंगे तो राज्य के आर्थिक बोझ बहुत बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव सस्ते नहीं होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं लोग भारतीय लोकतंत्र में। तो ऐसी स्थिति में राज्य के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाएगा और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो राज्यपाल अगर चाहते हैं कि नहीं अभी कुछ दिन तक सरकार कार्य करती रहे तो अल्प बहुमत की सरकार भी चलवा सकते हैं, ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है और ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की कोई सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर दोनों बातें भंग भी कर सकते हैं विधानसभा और अल्प बहुमत की सरकार भी चलवा सकते हैं। तीसरी स्थिति, मान लीजिए विधानसभा भंग हो जाए तब राज्यपाल जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं उनको जब तक नई विधानसभा गठित होकर नहीं आ जाती, 2 महीने 15 दिन 1 महीने 6 महीने जब तक नई विधानसभा नियुक्त होकर निर्वाचित होकर नहीं आ जाती, उसके मुख्यमंत्री नहीं प्रस्तुत हो जाते तब तक संबंधित व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकते हैं। सलाह दीजिए, आदेश दीजिए, हालांकि इसे मुख्य रूप से हम निर्देश कहें तो निर्देश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। तो ऐसी तीन स्थितियां तब होंगी जब संबंधित व्यक्ति के पास या संबंधित मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं होगा। एक स्थिति यह भी है कि मान लीजिए कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में राज्यपाल को लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव या पारित हो जाता है तो राज्यपाल फिर ये तीनों स्टेप वहां पर भी उठा सकते हैं ऐसी स्थितियों के बीच में, अर्थात इसमें भी स्वविवेक से ही राज्यपाल के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। जब हम लोगों ने वीटो पावर राज्यपाल का पढ़ा था तब एक चौथा वीटो पावर पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए संरक्षित या रिजर्व कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर भी एक प्रकार का क्या है, स्वविवेक की ही शक्ति है। चारों वीटो पावर स्वविवेक की शक्ति है, ऐसा नहीं कि एक ही, चारों। और कोई भी विषय राष्ट्रपति की संरक्षण के लिए सुरक्षित रखना भी राज्यपाल का वीटो पावर ही होता है। तो अनुमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार में हालांकि फिर बाध्यकारी स्थिति भी है, अनुमति सहमति ना देना यह भी हो सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना। और चौथी स्थिति यह भी हो सकती है कि राष्ट्रपति के लिए संबंधित विधेयक को सुरक्षित या संरक्षित कर दें। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास ये भी अधिकार है कि मान लीजिए राज्यपाल ने कि मुख्यमंत्री उन्हें लगता है कि बहुमत नहीं है तो राज्यपाल या फिर भंग करने की, मैंने जैसे आपको तीन प्रक्रियाएं बताई कि भंग कर सकते हैं, अल्प बहुमत की सरकार चलवा सकते हैं इत्यादि कार्यवाहक मुख्यमंत्री का स्वरूप। मान लीजिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा भंग करने से मना कर दिया कि बोले कि नहीं विधानसभा नहीं भंग होगी, ये तो उनका स्वरूप है कि उनकी सलाह पर ही विधानसभा भंग होगी, मना कर दिया और बहुमत नहीं है तब भी,
तब राज्यपाल के पास अधिकार है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे। इस चीज को याद रखिएगा, बर्खास्त, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगर राज्यपाल की इस बात को मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद स्वीकार नहीं करती तो राज्यपाल के द्वारा संबंधित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि राज्यपाल को दिखे कि कुछ मंत्री या मुख्यमंत्री कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ना तो प्रशासन कुछ कर रहा है ना ही न्यायपालिका तक बात पहुंच रही है, तो राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के विरुद्ध राज्यपाल केस दायर करने का आदेश देंगे। ध्यान रखिएगा, आदेश देंगे। यहां पर राज्यपाल संबंधित मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों के अन्य मंत्रियों के विरुद्ध केस दायर करने का आदेश देंगे और उन्हें गिरफ्तार करने का भी आदेश दे सकते हैं। तो राज्यपाल के पास यह भी अधिकार है कि गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक और विषय है राज्यपाल के अंतर्गत, अध्यादेश की स्थिति तो ध्यान रखिएगा, सारी की सारी बातें जो भी हैं। एक और विषय जो हम लोगों ने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब वहां पर पढ़ा था अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 356 में ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं बनाएंगे, राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से ही बनाएंगे तभी, नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों चाहेंगे कि उनके राज्य, उनकी सरकार एक तरह से सस्पेंड हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा भी विषय याद रखिएगा जहां पर राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, इस विषय को याद रखिएगा। ये सारे प्रमुख विषय हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।